ग्रुप क्या है ना, आईफा के टिकट बिक रहे हैं, देख लो वरना बहुत खाओगे। देखो, खरीदो, पैसा निकालो, पैसा। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन आईफा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आईफा अवार्ड फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स में से एक है। हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे स्टार्स अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ समा बांधते नजर आएंगे। ऐसे में सभी स्टार्स पहले से ही अपनी परफॉर्मेंस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही फंक्शन में माहौल बनाने के लिए इन सभी एक्टर्स ने अपनी कमर कस ली है। बीते दिनों ही हमने आपको सलमान, कटरीना और माधुरी की आईफा में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उनकी एक्साइटमेंट दिखाई थी। ऐसे में इन स्टार्स के अलावा कौन कौन से स्टार्स आईफा में अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतने वाले हैं, इसकी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बार सलमान, माधुरी, कटरीना के साथ साथ मिर्जापुर से सबको अपनी एक्टिंग का दीवाना बनाने वाले गुड्डू भैया आईफा में स्टेज शेयर करते नजर आएंगे। अपने डैशिंग अंदाज के साथ स्टेज पर आग लगाते दिखाई देंगे। वैसे आईफा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में हम आपको आईफा से पहले होने वाली तैयारियों से कैसे दूर रख सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए जा पहुंची गुड्डू भैया यानी अली फजल के पास। गुड्डू से हुई खास बातचीत का देखिए हमारा स्पेशल इंटरव्यू। आज हमारे साथ हैं ऐसे एक्टर जिन्हें देखकर बस एक ही बात दिल से निकलती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ, मेरे साथ है अली फजल, वेलकम ऑन E24। हाय, थैंक यू सो मच। आजकल बस अली का नाम आता है तो एक ही नाम आता है हमारे पे, गुड्डू भैया। इस बार गुड्डू भैया काफ़ी खास करने वाले हैं आईफा में, कुछ कमाल, क्या कुछ होने वाला है? एक्शन नहीं होगा, सो उसका कोई डर नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉमेडी हमने इजाद की है, राधिका के साथ मैं को होस्ट कर रहा हूँ, तो हमारी एक जुगलबंदी आपको देखने को मिलेगी, और कुछ अलग अंदाज़ों में, कुछ गानों के ज़रिए, कुछ फैशन के ज़रिए, कुछ डांसेस के ज़रिए, और हम लोग काफ़ी उटपटांग चीज़ें कर रहे हैं, मतलब देखते हैं क्या होता है। होस्टिंग की बात हो तो किसकी होस्टिंग आपको बहुत पसंद है और उनकी चीज़ों से कुछ निकालना चाहेंगे, हाँ ये चीज़ें इनकी बहुत अच्छी, ये चीज़ मैं अपने अंदर लाना चाहूँगा? यार, मैं करण जौहर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एज अ होस्ट एंड आई थिंक एंड एज अ प्रोड्यूसर, बट एज अ होस्ट वो एक बहुत ही सो कॉन्फिडेंट है ना, और जिस द ऑर्गेनिक फील दैट ही गिव्स, और जिस तरह वो ऑडियंसिस को हाँ वो इंगेज करते हैं, दैट आई थिंक इज़ अ टैलेंट, एंड इफ आई कैन रीच हाफ वे ऑल्सो, मतलब मैं तो खुश हो जाऊँगा। आईफा की घर वापसी है कहा जाए तो ये मुंबई में फिर से, तो कितने एक्साइटेड आप हैं एज ए एक्टर, एज ए ऑडियंस? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, घर से मेरा 20 मिनट दूर है, तो मैं आ जाऊँ, पहुँच जाऊँगा टाइम पे एटलीस्ट, और मुंबई में हो रहा है यार, तो सब आएंगे और मज़ा आएगा, क्योंकि ये हमारा घर है, व्हेन वी सेलिब्रेट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, 20th एडिशन है ये आईफा का, आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि मैं एटलीस्ट अपने होम टेरिटरी पे मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ। इस बार परफॉर्मेंस भी काफ़ी होने वाली है और बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे होने वाली, किसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप? यार, मैं आईफा रॉक्स के टाइम पे हूँगा, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट सलीम सुलेमान, अमित त्रिवेदी, रंजीत बैरोट, हु आई हैव एक्चुअली वर्कड विद एक टाइम पे पहले ऑन सम लाइव समथिंग वी डिड, तो ये दिग्गज लोग हैं, और यहाँ फोक म्यूज़िक क्योंकि का एक फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा, विच इज़ क्योंकि सालों सदियों पुरानी म्यूज़िक है, फोक सॉन्ग्स जो होते हैं वो आई थिंक आजकल की ऑडियंसिस को देखना ज़रूरी है, हम थोड़ा सा भूल गए हैं, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है हमारे सिनेमा का। अली, अगर बात की जाए अवार्ड्स की तो कितने मायने रखते हैं अवार्ड्स? ज़रूरी है, एक एक्टर के लिए वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जाके अपने आप को बोल सकते हो कि चलो यार मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप कभी कभी, आपको सबका नज़रिया जानना बहुत ज़रूरी है, और सबका कलेक्टिव नज़रिया जब जानना हो उसके लिए हम ऐसी चीज़ें रखते हैं। अली, प्रस्थानम के दिन करीब आ रहे हैं और ऑडियंस काफ़ी पागल है अली को फिर से देखने के लिए, संजू बाबा हैं और जैकी श्रॉफ है, इजी कॉम्बिनेशन। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं आप? वेरी एक्साइटेड यार, आई एम वेरी फीलिंग बैड क्योंकि मैं रिलीज़ के पहले मुझे जाना पड़ रहा है लंदन शूट पे, बट मेरा आई एम
my heart is with them, with the whole team. और बहुत बड़ी टीम है तो मैंने कहा ज़्यादा मिस नहीं होगा मैं. लेकिन देखते हैं, मतलब है आउट एंड आउट मासी फिल्म है, टेस्टोस्टेरोन हैवी फिल्म है, बाबा इज इन एक्शन, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ एक्शन, जैकी दा इज देयर, मनीषा कोइराला इज देयर, शी इज प्लेइंग माय मदर. सो या बाबा की होम प्रोडक्शन है, बाबा ने तो बेटा भी मान लिया आपको फिर लॉन्च पे. हाँ इट्स आई मीन स्वीट, आई थिंक वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप, सो दैट्स हाउ इज बीइंग जेनरस. लास्टली कालीन भैया के साथ गुड्डू भैया का बड़ा इंतजार हो रहा है, कुछ बता दें उसके बारे में भी. सीज़न 2 कंप्लीट हो गया है, सो उसके बारे में अब जितना कम ही बताएं उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको. अगले साल आई थिंक आएगा, अर्ली नेक्स्ट ईयर, थोड़ा वेट करना पड़ेगा ऑडियंस को. अली के साथ साथ सलमान के जीजू यानी आयुष शर्मा भी बनेंगे आईफा का हिस्सा. आईफा से पहले आयुष ने की हमारी टीम से खास बातचीत. ये मेरा पहला आईफा है, इतने सालों से हम लोग टीवी में इसको देख रहे हैं, हमेशा ये अब्रॉड होता है, पहली बार इंडिया में हो रहा है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है परफॉर्म करने के लिए, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ. और यू नो लाइव ऑडियंस है तो लाइव एक्ट है, मज़ा आएगा परफॉर्मेंस करने के लिए, उसी के लिए नर्वस भी हूँ थोड़ा बहुत. किन गानों पे परफॉर्म करने वाले इस बार जी? किन गानों पर? मैं परफॉर्म करूँगा रंग तारी पे और छोखड़ा पे. जी जी 100%. आई थिंक आईफा एज अ इवेंट हैज़ बीन अ वेरी ग्रैंड इवेंट. आप यू नो जब देखते हैं सारे एक्टर्स अब्रॉड जाते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, आईफा वीकेंड होता है, यू नो कितनी मस्ती होती है. एंड जब मैं हमेशा इसको टीवी पे देखता था तो लगता था क्या एंटरटेनिंग इवेंट होगा, कि आप शोज भी हो रहे हैं, अवार्ड्स भी हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेज भी हो रही हैं, प्लस सबको फ्री का हॉलीडे भी मिल रहा है. साथ ही साथ खुद की परफॉर्मेंस के साथ किसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप? आई थिंक रणवीर. Ranveer, I think he's going to be exceptionally good, and Katrina of course. Katrina is always great on stage. Awards ki baat ho to kitne maine rakhte hain awards? I think it's a special thanks to people. Like you know, if you have done great work, apna acha kaam kiya hai, log aapko appreciate kar rahe hain award deke, to achhi feeling hoti hai. But I think more than anything, it's the spirit of the industry to come together and celebrate someone else's success. जाते थे आपकी फिल्म भी आने वाली है, तो जरा उसके बारे में आप हमें बता दीजिए कि कैसी चल रही तैयारी है, क्योंकि आपने डोरे सोले बना दी है. जी तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत जल्दी हम लोग फोर्स में जाने वाले हैं और उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, बट वेरी सून आपको सब अपडेट दे दूँगा.